नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। कासगंज हैदराबाद में सामूहिक गैंगरेप के बाद एक महिला को जिंदा जलाए जाने के मामले को लेकर देश भर के लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में बीती देर शाम युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रभु पार्क से लेकर कैंडल मार्च निकाला तथा गांधी मूर्ति पर पीड़ित महिला को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि बीती 27 नवंबर को हैदराबाद में एक 22 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई थी। महिला का शव जला हुआ मिला था, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। इसी के चलते बीती देर रात युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डॉक्टर सुशीलता चौहान ने कहा कि हैदराबाद में महिला डॉक्टर की रेप के बाद पेट्रोल से जलाकर हत्या करना एक जघन्य अपराध है, इसीलिए हम लोग गांधी मूर्ति पर कैंडल मार्च निकालकर देश की बेटी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वह जल्द से जल्द हथियारों की गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। वही युवा शक्ति संगठन जिला अध्यक्ष सीमा कश्यप ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक छलावा है। भाजपा सरकार ने राज्य में देश की बेटियों असुरक्षित हैं, बेटियों के साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वह हथियारों की गिरफ्तारी कर उन्हें फांसी की सजा दी जाए, जिससे ऐसे लोगों को सबक मिल सके। पेश है कासगंज से विजय पुंदिर की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा कश्यप है, मैं युवा शक्ति संगठन की जिला अध्यक्ष हूं। आज जो कैंडल मार्च निकाला था, इतनी सारी घटनाएं हो चुकी है अन्य तरह की, लेकिन इन पर लगाम नहीं लग रहा था। क्या लगता है किस तरीके से लगाम लगाया जाए? सर, लगाम लगाई है जब उनको तरीके की सजा दी जाएगी तभी लगाम लग पाएगा। अगर कोई काम होता है उनको कोई सजा दे दी जाती है 4 साल की 5 साल की 20 साल की, उससे क्या होता है वो फिर राजा हो जाते हैं, फिर वही काम करने लगते हैं। जब उनको सजा नहीं दी जाएगी, इसको क्रिया खत्म नहीं की जाएगी, तब तक आगे उसको उत्साह मिलता ही रहेगा। पहले भी कांड हुए थे, पहले भी उनको फांसी की सजा नहीं दी गई थी कुछ लोगों के लिए। जब उनको सजा नहीं दी जाएगी, कड़ी सख्त सजा दी जाए तभी आंदोलन रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। हम लोगों का जीना दुश्वार है, आज आगे लड़कियाँ कैसे रहें, कहाँ जाएं, अकेली लड़की चल नहीं सकती, इतने अत्याचार हो रहे हैं उस पर। तो लगता है इस देश में महिला सुरक्षित नहीं? बिल्कुल महिला सुरक्षित नहीं है सर, कहीं पर भी महिला सुरक्षित नहीं है। तो सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि महिला सशक्तिकरण, सरकार कहती है ऐसा करके दिखाए ना। पहले 8 बजे क्या लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? इसीलिए नहीं निकल सकती, डर है उसे, एक ख्वाब है, घर से निकलती है लेने के लिए। तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मैं घर वापस लौटूंगी भी है नहीं। विरोध प्रदर्शन युवा शक्ति संगठन द्वारा कैंडल मार्च जो प्रियंका को के साथ हुआ है, कुकृत्य हुआ, उसके बाद उसको जला करके मार दिया, उसके श्रद्धा सुमन हम लोगों ने अर्पित किए हैं। उसकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला है और साथ ही मांग किया कि उसके हथियारों को फांसी दी जाए, तभी हम लोगों का ये आंदोलन रुकेगा। आगे भी हम लोगों ने प्लानिंग की है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो अब कम से कम ऐसी घटनाएं आगे और ना हो, युवा शक्ति द्वारा इसका घोर वो किया जा रहा है, घोर विरोध किया जा रहा है, भर्त्सना की जा रही है। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ ऐसा होगा, कोई युवा शक्ति चुपचाप नहीं बैठेगी और आगे आकर के आंदोलन का एक हिस्सा बनेगी। और निश्चित तरीके से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इनके हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, जो एक ऐतिहासिक कदम हो, आगे से ये अत्याचार रुके महिलाओं पर। पूर्व में भी निर्भय हत्याकांड हुआ था, उसके बावजूद भी लोग नहीं चेत रहे, तो उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण देखिए, अगर सही माने में देखा जाए तो उन लोगों को सजा नहीं मिलती है। कठोर से कठोर सजा अगर दी जाए तो निश्चित मानिए इस तरह के अपराध समाज से दूर हो जाएंगे।